ये सऊदी अरेबिया दमाम का रोड है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियाँ हैं, ये गाड़ी इसलिए हैं क्योंकि ये जो रोड है ख़राब हो चुका है, तो इसको रोड को सही करना है। अब ये लोग रोड कैसे सही करेंगे, पहले ये क्या करेंगे, मशीन से रोड को काटेंगे। जी हाँ, रोड को पहले काटेंगे, फिर इसको रोड को बनाएंगे, जैसे पिच बनाई जाती है, नहीं नहीं जैसे वैसे इसको बनाया जाएगा। अपने इंडिया में क्या होता है, जब रोड ख़राब हो जाता है तो उसी के ऊपर दोबारा कर दिया जाता है, मतलब उसको हटाया नहीं जाता, काटा नहीं जाता रोड को। लेकिन यहाँ पे क्या है, रोड को काट दिया जाता है। ये देखिए ये मशीन है, ये मशीन से काट काट के रोड को उस ट्रक में डाल देती है, जैसे कि सामने एक ट्रक है। तो ऐसे यहाँ पे रोड जो है बनाया जाता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मशीन रोड काटती है। वो देखो भाई, वो भाई अभी जो है वो क्लीन कर रहा है रोड को थोड़ा, ताकि डस्ट जो भी हो वो हट जाए। सऊदी अरबी में क्या है, गर्मी है यहाँ पे, गर्मी में मतलब 42-43 डिग्री है अभी रात में, तो इसलिए ये लोग दिन में काम नहीं करते। यहाँ पे देखते ये लोग अभी रात में काम कर रहे हैं, इस टाइम इन लोग ड्यूटी शुरू हुई है 8:30 बजे। अभी पूरा ये सेटअप पूरा कर रहे हैं मशीनों का, तो ये लोग सुबह तक काम करेंगे। तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये लोग काटते हैं रोड को और कैसे सही करते हैं। वो देखो सामने कैसे रोड को काटा जा रहा है, सारा रोड काटा जा रहा है। रोड काट के देखो कैसे ट्रक के अंदर वो डस्ट घुसा जा रहा है, जैसे ये साइड से बस चल रही है उधर, वो जो उसको रोड की कटिंग हो रही है, रोड से सारा पूरा मशीन से पूरा रोड को काटा जाएगा। फिर उसके बाद से इसी रोड पर मतलब इसी जगह पर नया रोड बनाया जाएगा। अभी जो रोड ख़राब हुई है उसके उसके ऊपर नहीं यूज़ करा जाएगा। और ये जो मशीन है वो बिल्कुल बराबर रोड को काटती है, बिल्कुल बराबर को। तो आप लोग वीडियो समझ में आएगी कि मैं क्या बताना चाह रहा था। ये जो काम चल रहा है मेरे रूम के सामने ही काम चल रहा है, देख सकते हैं आप मेरे रूम के सामने, मैं अभी रूम में हूँ। ये देखो रोड की कटिंग होने के बाद सफाई कैसे की जा रही है, देख लो कितना साफ सुथरा रोड है। उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा कि रात का समय है तो साफ वीडियो नहीं दिख बन पा रही होगी, लेकिन देखो कितना रोड साफ कर दिया गया है। ये सफाई चल रही है, धूल मिट्टी जितने वो सब हटाया जा रहा है। ये देखो ट्रक में जो है कंक्रीट ला के लेके आए हैं और ट्रक से जो है कंक्रीट जो है सारा गिरा रहे हैं। कैसे अपने इंडिया में कैसे रोड बनते हैं और पाकिस्तान बांग्लादेश में, यहाँ पर देखो। अगर भाइयों अगर आप नए हो पेज पे तो दबा कर इस वीडियो को शेयर करो। यहाँ पे ऑलरेडी देखो 6 लेन की रोड चल रही है सऊदी अरबिया में दमाम है। एक ये रोड जा रहा है, तो दूसरा बन रहा है, तीसरा और चौथा, और रोड एक रोड पे 3 ट्रक खड़े हो जा रहे हैं। उस साइड देखो रोड पे 3 ट्रक खड़े हैं। ये देखो सऊदी अरबिया है, यहाँ देखो रोड बनाने का तरीका अलग ही है। पहले इन्होंने क्या करा, रोड को काटा, जैसे कि आप देख सकते हो इस रोड में कितना फ़र्क है। यहाँ पे देखो काला काला है, जब रोड चल रहा है उस रोड पे देखो ये कट चुका है। यहाँ पे जो ट्रक खड़े हैं ये कट चुके हैं, अब इसको बनाना है। उस साइड देखो कैसे वो रोड बना दिया है, ये सारे ट्रक खड़े हैं एक साथ। तो आप देख सकते हो कैसे मतलब कितना टेक्नोलॉजी आगे है और यहाँ पर किस लेवल का रोड बनाया था। पहले से सफाई करी गई थी रोड की, तब ये मतलब अब ये यहाँ पे ये पिच कर रहे हैं। ये देखो भाई वो अलग ही तरीके का मतलब रोड बना रखा है, पूरा टोटली डिफरेंट है। ये देखो ये गाड़ी कैसे वो नीचे वो गिरा रही है, क्या बोलते हैं हिंदी में याद नहीं आ रहा, ये गाड़ी वो कर रही है सारा तारकोल का छिड़काव, और एक बराबर गाड़ी ये कर रही है तारकोल का छिड़काव। अब फिर इसके ऊपर से कंक्रीट बिछा दिया जाएगा। ये देखो जैसे पानी गिराया जाता है, ये पानी की तरह ये क्या कर रहा है, तारकोल गिरा रहा है। ये देखो आवाज़ आ रहा होगा, देख रहे हो अपने इंडिया और पाकिस्तान बांग्लादेश में अलग ही तरीके से रोड बनता है। यहाँ पे देखो कैसे तारकोल गिरा दिया, गिराते हुए जा रही है गाड़ी। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपके भाषा में और आपके वहाँ कैसे बोला जाता है इसको, कैसे बोला जाता है इसको, मुझे कमेंट करके बताना। ये देखो कैसे रोड को मतलब कैसे बनाया जा रहा है, देख सकते हो पूरा ये डाल दिया इस पर।
अब देखिए रोड बनने के बाद क्या करा है, इस पर इन्होंने सीट बिछा दिया है, ये देखो ये है सीट, सीट बिछा रखी पूरा रोड बनने के बाद। तो ऐसी वीडियो देखने के लिए, सऊदी की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और पेज को लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।